हाय एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेई और आप मुझको देख रहे हैं ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स पे। तो गाइस, मैं अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म में एक वेरीफाइड एजुकेटर हूँ और अन अकेडमी लर्निंग प्लेटफॉर्म एक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने वाली सर्विस है जहाँ पर आपको क्वालिटी स्टडी मटेरियल मिलेगा, वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो मेरी प्रोफाइल को और वहाँ पे क्लिक करके यू कैन गेट एक्सेस टू अराउंड 44 कोर्सेज एंड 700 लेक्चर्स, ठीक है। और डेली आपको 4 न्यू लेक्चर्स विल बी अपलोडेड। तो करेंटली वहाँ पर कैलकुलस आई एम टीचिंग, तो आजकल मैं वहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ा रहा हूँ। तो यहाँ पर आज के इस लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के क्वेश्चंस को देखने जा रहे हैं, जिसमें से जो फर्स्ट प्रॉब्लम है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है उसको हमें समझने की ज़रूरत है, ठीक है। तो देखते हैं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है कि टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर्स ए एंड बी हैव देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय 200 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, दो इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर है, ठीक है। एक कॉपर स्फीयर हो गया, छोटा बना लेते हैं हम लोग इसको, ठीक है। एक हो गया, एक दूसरा हो गया गाइस इस तरीके से, और इनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है, सेंटर टू सेंटर जो डिस्टेंस है गाइस, दैट इज 2 मीटर। और क्या दिया गया, द चार्ज ऑन ईच स्फीयर इज, तो क्यू, इसको अगर मैं ए बोलता हूँ बिकॉज इट इज गिवन कि ये ए है और ये बी है, तो चार्ज ऑन क्यू इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। कितना चार्ज है हर एक स्फीयर पे, 8 × 10⁻⁶ कूलम। अ थर्ड स्फीयर ऑफ सेम साइज, तो गाइस एक थर्ड स्फीयर है जो कि सेम साइज का है, जिसपे चार्ज अभी कुछ है नहीं है, अनचार्ज लिखा हुआ है, बट अनचार्ज इज ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द फर्स्ट, पहले इसके साथ ए के साथ उसको कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, देन ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द सेकेंड, फिर सेकेंड के साथ कॉन्टैक्ट में लाया जाता है, एंड फाइनली रिमूव्ड फ्रॉम बोथ, फिर दोनों से उसको रिमूव करते हैं। तो पूछा जा रहा है व्हाट इज द न्यू फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है, क्योंकि अभी ए और बी के बीच में कुछ रिपल्शन हो रहा होगा बिकॉज इनके बीच में चार्ज है कुछ, क्यू ए इज इक्वल टू क्यू बी इज इक्वल टू 8 × 10⁻⁶ कूलम, ये चार्ज है इनके बीच में और इनके बीच की डिस्टेंस 2 मीटर है, तो अभी कुछ इनके बीच में रिपल्शन हो रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर एक अनचार्ज स्फीयर हम लोग यहाँ ला रहे हैं जो सेम साइज का है, ठीक है, उसको हम लोग पहले ए से टच कराते हैं, फिर कुछ चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है गाइस, फिर उसके बाद उसी जो अब चार्ज हो चुका होगा सी, उसको बी के साथ हम लोग जो है इसको ले जाते हैं, एंड देन व्हाट हैपेंस कि कुछ नया चार्ज आ जाता है बी और ए पर, और फिर इन दोनों के बीच में हम लोगों को फोर्स ऑफ रिपल्शन निकालना है। तो फोर्स ऑफ रिपल्शन को निकालने के लिए हमें जो फॉर्मूला यूज करना होगा, दैट विल बी 1/4πε0q1 × q2 / r², ठीक है, कूलम्स लॉ यहाँ पे हमें अप्लाई करना होगा। सबसे पहले इम्पॉर्टेंट बात है कि चार्ज को पता करना, तो देखिए क्या प्रोसेस होगा, ये जीरो है कूलम, ठीक है, तो क्या होगा, ये मान लीजिए आपका क्यू ए डैश और जो क्यू सी होगा ये कितना हो जाएगा, क्यू सी डैश बोलते हैं क्योंकि क्यू सी स्टार्टिंग का ले लेते हैं, तो वो जीरो था, यानी कि देखिए कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है, अगर स्फीयर का साइज सेम है तो दैट विल बी 8 × 10⁻⁶ प्लस 0 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है, कितना आएगा 4 × 10⁻⁶ गुना, ठीक है। तो ये क्यू ए डैश हो गया, यानी कि इसके ऊपर इतना चार्ज आ गया 4 × 10⁻⁶ गुना, और क्यू सी डैश इसके ऊपर भी इतना आ गया, ठीक है, क्यू सी डैश। अब देखिए QB के पास कितना था, इतना था, अब ये जो QC डैश है इससे आपने टच कराया, तो क्या होगा बताइए, नया जो QB का डबल डैश है दैट विल बी QB प्लस QC डैश डिवाइडेड बाई 2, तो QB में कितना था 8 × 10⁻⁶ और QC डैश कितना है 4 × 10⁻⁶ डिवाइडेड बाई 2, तो 12/2 कितना हो जाएगा 6 × 10⁻⁶ कूलम, ठीक है। अब ये सी को दूर कर दिया गया है,
अब इनके बीच में हमें फोर्स निकालना है। तो फिर से आप समझिए कॉन्सेप्ट, ठीक है। आई वॉन्ट कि हर बच्चा जिसको नहीं आता है वो ध्यान से सीखे चीज़ों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए 4×10⁻⁶ कूलम है, ठीक है। कैसे आया, 8 था पहले, पहले कितना था 8 था, इसके पास 0 था, तो एवरेज हो जाता है 0 + 8/2 4 हो गया। अब इसके पास भी 4 हो गया और इसके पास भी 4 हो गया। यहाँ देखिए दूसरे के पास भी 8 था, 8 + 4 = 12 / 2 = 6, तो 6×10⁻⁶ कूलम। ये नए चार्जेस आ गए। अब आप आराम से इसमें डिस्टेंस रख दीजिए फॉर्मूले में, 9×10⁹ और ये 4×6×10⁻¹2 और 200 सेंटीमीटर मतलब 2 मीटर, ये हो जाएगा 4 कैंसिल हो जाएगा गाइस, ये फोर्स है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। तो 9×54×10⁻³ न्यूटन, ठीक है। ये हो गया यानी कि 5.4×10⁻²  न्यूटन, ये हमारा नया फोर्स ऑफ रिपल्शन है, एफ न्यूटन, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट काफ़ी आपको समझ में आया होगा आई थिंक, कि इस तरीके के क्वेश्चन अगर आते हैं तो आप जो है करिए। तो ये देखिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ पे सिंपल कॉन्सेप्ट लगेंगे, उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स एससी वर्मा से भी करेंगे, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे से चैप्टर बोर्ड के लिए भी रिवाइज हो जाए और आप और भी जो एग्जामिनेशन देना चाहते हैं उसके लिए भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है गाइस। तो बाय।